हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर आया था 2016 को, 5 जून 2016 को, उसी पेपर का हम पूरा एनालिसिस करेंगे और सही सही जो आंसर होते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का 2016 का पेपर जो कि आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो ये थे वल्लभाचार्य। यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्ट छाप कवियों में अग्रणी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास किस शाखा के व्यक्ति कवि थे, तो ये भक्ति काल के कृष्ण शाखा के कवि थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो छंद जब पढ़ते हैं उसके बीच में जो विराम आते हैं यानी कि फुल स्टॉप आता है उसको बोलते हैं यति। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। अगला है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार ना हो तो टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहां प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम का। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी। अगर आप कोई हिंदी में वाक्य लिखते हैं और जहां पे वाक्य समाप्त हो जाता है वहीं पे हम लगाते हैं पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है, आमर्ष क्या है। आमर्ष जो है एक संचारी भाव है, मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले भावों यानी संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या जो होती है 33, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछी जाती है कि संचारी भावों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 33। आमर्ष भी एक संचारी भाव है जो कि विरोधी अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि आमर्ष क्या है, एक संचारी भाव है, दूसरा कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 33। नेक्स्ट है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो जो कबीरदास की भाषा थी या उनकी जो स्टाइल थी लिखने की वो थी सदुक्कड़ी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। संत कबीरदास जिनका जन्म हुआ था 1398 और जिनकी मृत्यु हो गई थी 1518 में, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखड़ी इत्यादि, जिस कारण से इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, सदुकड़ी कहा जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कबीरदास की भाषा कौन थी, वो थी सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। दूसरा, ये कबीरदास किस शाखा के कवि थे, तो ये थे भक्ति काल के कवि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ है। तो जो द्रौपदी का चीर है होता है, उसका अर्थ होता है कभी समाप्त ना होने वाली वस्तु। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या है। तो कूप मंडूक का अर्थ होना है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन है कि संख्या दी गई है, यहाँ 4 उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य निर्माण कर पाए। यानी कि आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में जो ये वाक्य हैं इन वाक्य को एक क्रम में लगाना है और एक पैराग्राफ तैयार करना जिससे ये जो पैराग्राफ है अच्छा बने। तो कौन कौन सा पहला वाक्य जो है वो है सामाजिक जीवन में, दूसरा है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, तीसरा है मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से हैं, नेक्स्ट है यदि क्रोध ना हो तो, अगला है कष्टों को चित्त निवृत्त का, नेक्स्ट है उपाय ही ना कर सकें। तो आपको इनको सीक्वेंस में लगाना इस प्रकार से कि सामाजिक जीवन में ये पहला वाक्य बने और उपाय ही ना कर सके ये एक आखिरी वाक्य बने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा या ला रवा। यानी कि सबसे पहले या आएगा, उसके बाद ला आएगा, उसके बाद वा आएगा, उसके बाद रा आएगा। किस प्रकार से करना है,
आपको ऐसे इन चार ऑप्शनों को सेट करना है कि आपका जो पहला ए ऑप्शन है वो पहला वाक्य बने और जो छठवां है वो आखिरी वाक्य बने और इसके बीच में जो चार वाक्य ये सेट हो जाएं। तो इसका जो सही क्रम बनेगा वो बनेगा या ला रा वा। अगला क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ईशान, या एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय मतलब वलय जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गोलाकार घेरा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। आपको बताना है चार ऑप्शनों में से अव्ययी भाव समास कौन है। तो जो आजीवन है वह एक अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास को आपको पहचानना है तो इसके लिए कुछ कोड वर्ड होते हैं, अगर वो वर्ड आ जाए तो समझ जाइए कि ये अव्ययी भाव समास होगा। या तो आ जाए, प्रतिदिन प्रति आ जाएगा, प्रतिदिन आ जाए, अनुरूप आ जाए, आजन्म आजीवन। यहाँ सबके सामने आप देख रहे हैं आ लगा है, यानी क्या यहाँ पे अत्यदेयी भाव समास, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है वो है अधिकरण कारक। वह कारक जो क्रिया के समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आना, घोड़े में पानी। तो यानी कि यहाँ जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा हुआ? तो मंदिर मीन्स होता है देवालय और जो मदिरा होता है वो होता है अश्वशाला। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, यानी कि इसमें से आपको बताना कि मिश्र वाक्य एक से ज्यादा एक वाक्य में कौन है। तो जो डी है यह मिश्र वाक्य है। यहाँ पे लिखा है ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि यहाँ पे दो वाक्य यानी कि एक से अधिक वाक्य यहाँ पे यानी कि मिश्र वाक्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट, एक पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ इस पैराग्राफ से आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो पैराग्राफ आप पढ़ मैं आपको बता देता हूँ। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, यह एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ से आपको ये क्वेश्चन करने थे कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट है, सूखे पत्ते का प्रतीक क्या है? ये भी आपको जब पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार से पैराग्राफ से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो पूछा गया था आपका फिल इन द ब्लैंक्स था कि रामू की डैश डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश डैश अधिक बुद्धिमान था। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए सही आंसर? रामू की उपेक्षा, यानी कि उपेक्षा में मतलब एम्बैरेसमेंट, यानी कि उसकी जो बेइज्जती हुई इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा यानी कि उसकी तुलना में अधिक बुद्धिमान था। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है, पानी बीच मिन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी। निम्नलिखित सही में पंक्तियों में अलंकार क्या है? तो आपको बताना ये जो पंक्तियां इनमें से अलंकार कौन है। तो इसमें जो अलंकार है वो है विषयोक्त अलंकार। यहाँ पे आपका ऑप्शन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिगत संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो जो इनमें से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही अर्थ है वो है, सही ऑप्शन है वो है ए राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जो मिठास है ये भावात्मक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि इसमें जो तीन चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से तीन गंगा के पर्यायवाची हैं, एक नहीं। तो आपको वो बताना कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं। तो जो कालिंदी होता है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो जो इसमें सही शब्द है वो है श्रृंगार। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है बी। नेक्स्ट है, समूर्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, भीड़। नेक्स्ट है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में जो प्रत्यय है वो है इक। आंशिक इक प्रत्यय क्या होता है? जो वर्ड के शुरुआत में आता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। नेक्स्ट है, जो शब्द अंश शब्दों के अंत यानी कि जो शब्द बाद में आता है उसे बोलते हैं प्रत्यय।
तो इसको आप प्रोनाउंस कीजिए, क्या आता है आंशिक इक, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है सी, जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द आंशिक में इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय से बने अन्य शब्द वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, दैनिक इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, ये एक आपको सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस में इरर है, आपको बताना कि इसमें कहाँ पे इरर है और उसका शुद्ध वाक्य बताना है। नेक्स्ट है एक पर्याय संधि विच्छेद से कि वधूर्मिका संधि सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद जो होगा वधू धर ऊर्मि। तो दीर्घ संधि के अनुसार हास्य या दीर्घ आ ई उ के बाद के अनुसार समान हास्य या दीर्घ बड़ा आ ई उ आए तो दोनों के मिलकर पे बड़ा आ ई उ हो जाता है, वहां पे दीर्घ संधि हो जाता है। इसी नियम के अनुसार बधूर्म का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा बधू धन ऊर्मि, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन था भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से तीन जो हैं समान अर्थ वाले हैं, एक अलग अर्थ वाला, तो जो अलग अर्थ वाला है उसको आपको बताना है। तो पावक, कृषाणु तथा अनल अग्नि के पर्यायवाची, यानी पावक, कृषाणु और अनल जो है, ये जो है पर्यायवाची किसके हैं, अग्नि के, और जो अनिल है वह हवा का पर्यायवाची, यानी कि जो इसका जो भिन्नार्थक शब्द है वो है बी अनिल। नेक्स्ट है हर्ष का विलोम बताइए, तो हर्ष का विलोम जो होता है वो होता है विषाद, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 30, गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये जो पंकिल होता है उसका पर्यायवाची होता है, यानी कि गंदला मैला मलिन पंकिल सभी गंदा का पर्यायवाची हैं। धवल का अर्थ होता है उजला, प्रलय का अर्थ होता है विनाश, पमार का अर्थ होता है दुष्ट खल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। तो इस प्रकार से हम यहाँ UP SSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी का जो 2016 का 16 का पेपर था उसके मैं हिंदी सेक्शन पूर्णतया कवर कर लेता हूँ, और नेक्स्ट सेक्शन में कवर करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन तक क्या इंतजार कर दिए, आपका कल नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा इसका जो UP SSC वीडियो 2016 का एग्जाम हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको एक नीचे रेड बटन दिख रहा होगा उस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।